गुड इवनिंग बच्चों सो ऐसे तो कल आप लोग का एग्जाम है तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो है ना सो so, आज हम लोग एक छोटा टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो चीनी भी तीता लगने लगता है ना सो बोयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट टॉपिक है तो बोयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट जनरली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में होता है बंगाल का पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में तो बंगाल का पार्टीशन के कारण लोग यहाँ पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग ने पढ़े भी है कि नाराज़ हो गए लोग और हिंदू मुस्लिम एक आपस में राखी भी टाइट करने लगे दैट मीन्स हम लोग भाई भाई है इस तरह का मैसेज दिए ब्रिटिशर्स को कि हम लोगों को आ, सेपरेट करने की कोशिश मत करो किंतु किए तो है उन लोगों ने है ना? तो इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण ही बंगाल में एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होते और ये जनरली सेवेंथ अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल से ये अनाउंसमेंट होता है कि अब हम लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ये अगस्त 7 1905 हंड्रेड से शुरू होता है ठीक है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट तो यहाँ स्वदेशी मतलब होता है ऑफ वंस ओन कंट्री दैट मीन्स अपना देश का अपना तो इस कहने का मतलब है कि इस स्वदेशी मूवमेंट के जरिए यहाँ पर हम लोग का लीडर्स ये मैसेज देना चाहते इंडियंस को कि इंडियंस लोग इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट को ही खरीदे ठीक है दैट मीन्स मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको ही खरीदे उस समय जनरली ज़्यादातर कपड़ा ही आता था इंग्लैंड से और हम लोग वो सस्ता भी होता था उसी को खरीदते थे ठीक है हम लोग मतलब उस समय का जो इंडियंस लोग ठीक है तो यहाँ पर यही मैसेज दिया गया कि जितना भी महंगा हो फिर भी इंडियंस लोग इंडिया में बना हुआ कपड़ा को ही खरीदे और इंडियन कपड़ा हो या तो कोई भी चीज़ हो ठीक है इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदे यही होता है स्वदेशी ओके okay. और इसीलिए बहुत सारा जो कपड़े का जो कारोबार करने वाले जो होते थे कि इंग्लैंड में बना हाँ कपड़ा जो ठीक है विदेशी कपड़ा का व्यापार करते थे तो ऐसे जो लोग जो है ये लोगों ने भी ये कपड़ा को जलाने का काम किया ठीक है दुकान वगैरह बंद किया और इसी तरह से पूरी तरह से आपका फॉरेन गुड को भी बैकट किए साथ साथ अगर कोई ऐसे इंडियन होते थे जो फ़ॉरेन गुड्स को अगर इंडिया में बिक्री करते थे उस व्यक्ति तक को बैकट किए दैट मीन्स बैकट में जनरली क्या क्या बैकट हुआ नंबर वन तो फ़ॉरन गुड्स को भी बेकट किए लोगों ने ठीक है और इसी तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी बैकट करने का काम किए स्कूल्स वगैरह जो है ब्रिटिश का द्वारा चलाया गया स्कूल्स वगैरह लोगों ने उस स्कूल से जाना मना कर दिए स्कूल हो या कॉलेज ये होते और उन लोगों द्वारा बनाया हुआ जितना भी रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन से पोस्ट ऑफिस है इसको भी बैकट किया ठीक है तो बैकट हम लोगों ने किए तो बैकट किए तो साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर उन लोगों का प्रोडक्ट को बैकट कर रहे उन लोगों का इंस्टीट्यूशंस को बैकट कर रहे उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन को बैकट कर रहे तो स्वदेशी तो अपनाना होगा तो इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला और उस समय बहुत सारे इंडियन जो कटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो भी डेवलपमेंट हुआ वो फ्लोरिश भी हुआ ओके <coughs> okay? नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग तो यहाँ पर ये देखे कि मुस्लिम लोगों सॉरी ब्रिटिश लोगों ने ये देखे कि पार्टीशन भी कराया बंगाल का फिर भी ये लोग का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाया ठीक है अब लोगों ने यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिजल्ट ब्रिटिश को ये मिला कि बॉयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दिए तो बहुत सारा लॉस हुआ उन लोगों का ठीक है बिजनेस में तो अब वो लोग भी इस तरह से रुकने वाले कहाँ थे फिर से ब्रिटिशर्स ने और एक नया पॉलिसी लेके आया वहां पर क्या करते फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग कन्विंस करते हैं मुस्लिम लोगों को और कन्विंस में ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय तो बड़ा पोलिटिकल पार्टी एक ही था वो पूरा नेशन के लिए इंडिया के लिए वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स कन्विंस करते कुछ मुस्लिम को और कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदूज द्वारा डोमिनेटेड है ठीक है तो इसीलिए मुस्लिम लोगों को अपना एक अलग सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना ज़रूरी है जो मुस्लिम का इंटरेस्ट को सेव करे प्रोटेक्ट करे ठीक है इस तरह से कन्विंस करते मुस्लिम को और थर्टी अप्रैल नाइनटीन सॉरी दिसंबर नाइनटीन सिक्स को ठीक है नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में ये सलीमुल्लह खान आगा खान और भी कुछ लोग हैं इन लोगों का ठीक है प्रेसेंस में एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल पार्टी बनता है इंडिया में वो है द मुस्लिम लीग ठीक है वो बना नाइनटीन हंड्रेड सिक्स थर्टी दिसंबर ओके ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है मुस्लिम लोगों के लिए ओके तो ये मुस्लिम लीग जो है और पहले तो मुस्लिम लोग यहाँ पर पार्टीशन को अपोज कर रहे थे तब तो न जैसे ही नाइनटीन फाइव में पार्टीशन कराया बंगाल का हिंदू मुस्लिम ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया दोनों मिल करके और राखी भी बांधने का काम किया ये चौधर में हिंदू मुस्लिम में ठीक है तो हम लोग भाई भाई है ये दिखाने की कोशिश भी किए मतलब पार्टीशन को अपोज़ किए अब यहाँ पर मुस्लिम लीग जैसे ही यहाँ पोलिटिकल पार्टी फॉर्म करवाया ब्रिटिश द्वारा ही करवाया उन लोगों को कन्विंस कराया तो पार्टी फॉर्म करने के लिए उन्हीं लोगों ने तो इस तरह से ये जो मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ अब मुस्लिम लीग सपोर्ट करते हैं पार्टीशन को जो बंगाल में जो पार्टीशन हुआ बंगाल का उसको सपोर्ट करने लगी मुस्लिम लीग और साथ साथ एक सेपरेट इलेक्टोरेट का भी डिमांड करने लगे मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए जो इलेक्शन जब होगा ठीक है ना वो मुस्लिम लोगों के लिए जो एरिया भी अलग से होगा साथ वहाँ पर जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट जो होगा मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उस एरिया में और वोट देने वाले भी सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे दैट मीन्स यहाँ पर एक सेपरेशन कराना इन लोगों का ये जो ब्रिटिश ने बीज बो दिए कि हिंदू एंड मुस्लिम जो है कि दोनों एक साथ साथ नहीं चल सकते हैं तो इस तरह से इन लोग इस तरह से इन लोगों में एक हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया कि अब मुस्लिम लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट का बात करने लगे तो प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो कुछ सीट रिज़र्व होता है ठीक है ना कुछ सीट रिज़र्व होता है एस सी एस टी के लिए किंतु जहाँ पर एस टी के लिए सीट रिज़र्व होता है तो वहाँ कैंडिडेट तो एस टी ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे किंतु वोट देने वाले तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि एस टी ही वोट देंगे ठीक है सभी वोट देंगे किंतु जब जिस एरिया जो एस टी के लिए सीट रिजर्व होता है तो उस एरिया से एस टी ही कैंडिडेट होंगे इलेक्शन के एस टी ही लड़ेंगे ठीक है किंतु वोट देने वाले सभी होता है ब्राह्मण भी हो सकता है कोई भी हिंदू भी मुस्लिम कुछ भी हो सकता है ठीक है एस टी भी हो एस सी भी हो कुछ भी हो सकता है तो यह सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ मुस्लिम के लिए एक सीट मुस्लिम के लिए सीट रिज़र्व होना और जहाँ पर मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व होगा उस एरिया में इलेक्शन जो लड़ेंगे कैंडिडेट वो भी मुस्लिम होंगे ठीक है इतना तक तो सही है और वोट देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे मुस्लिम ही मुस्लिम को ही वोट देंगे इस तरह का ये डिमांड था ये आपका मुस्लिम लोगों का ठीक है तो ओके आज के लिए बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इतना ही तक रखेंगे और फिर से आप लोगों को वंस अगेन के बेस्ट ऑफ लॉक फॉर योर एग्ज़ाम ठीक है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वन मार्क का है ना ठीक है अच्छे से लिखो सोच के लिखो टाइम लो जितना टाइम दिया है फुल कंज्यूम करो ठीक है ना तभी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो उससे आंसर आप कर सकते हो ओके थैंक यू बाय